राज्य मंत्रिमंडल के गठन की सुगबुगाहट के बीच बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव का मानना है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को अपने मंत्रिमंडल का गठन कर लेना चाहिए। भार्गव ने कहा कि मुख्यमंत्री को सहयोगी मिल जाने से उनका बोझ कम होगा। हालांकि भार्गव ने यह भी कहा है कि यदि मंत्रिमंडल का गठन होता है तो कोरोना के चलते उसकी आलोचना भी हो सकती है। गोपाल भार्गव ने आरोप लगाया है कि प्रदेश में कोरोना के कहर के लिए कमलनाथ सरकार जिम्मेदार है और गोपाल भार्गव से खास बातचीत की स्वराज संवाददाता निर्मल सिंह व्यास। शिवराज मंत्रिमंडल के गठन की सुगबुगाहट के बीच इस समय हमारे साथ वरिष्ठ बीजेपी नेता और पूर्व मंत्री गोपाल भार्गव हैं। भार्गव साहब, बड़ी सुगबुगाहट हो रही है और मेरे ख्याल से हो भी जाना चाहिए शिवराज मंत्रिमंडल के गठन का, आपका क्या कहना? मतलब अंदर खाने से क्या खबरें आ रही है? देखिए, मैं कल आया हूँ भोपाल 3 सप्ताह के बाद। 23 तारीख को शिवराज जी ने शपथ ली थी, उसके दूसरे दिन में भोपाल से चला गया था। दूसरे दिन देशव्यापी लॉकडाउन भी घोषित हो गया था, इस कारण से मैं अपने क्षेत्र में रहा। 3 सप्ताह के बाद मैं कल शाम को भोपाल आया हूँ, तो मेरी इस संबंध में किसी भी नेता से अभी हमारे पदाधिकारियों से कोई चर्चा नहीं हुई और इस कारण से मैं बहुत ही प्रामाणिक रूप से ये कहने में अभी समर्थ नहीं हूँ कि मंत्रिमंडल का गठन कब होगा। विस्तार क्या, गठन ही कह लें तो अभी गठन कब होगा, क्या स्वरूप रहेगा उसका, तो इसके बारे में मैंने अभी तक किसी चर्चा भी नहीं की। और दूसरी बात, जहाँ तक मैं सोचता हूँ कि ये मुख्यमंत्री का और हाईकमान का विशेष अधिकार है कि कब करें कब नहीं करें, कितने लोग उसमें रहें कितने नहीं रहें, क्या प्रभार क्या विभाग किसके पास रहे, ये भी समय सारा उन लोगों का है। तो इस बारे में सोचता हूँ कि वो जो कुछ भी योग्यता होगी अनुभव होगा जिस प्रकार से, तो उसी के हिसाब से वो तय करेंगे। और मैं मान के चलता हूँ कि इस बारे में मुझे चिंता नहीं करना चाहिए। नहीं, चिंता आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए, आपका मंत्री बनना एकदम तय है, वो भी कैबिनेट मंत्री बनना तय है। लेकिन वर्तमान जो परिदृश्य है, परिप्रेक्ष्य है, कोरोना की महामारी फैली हुई है, विपक्ष आरोप लगा रहा है कि शिवराज जी वन मैन शो कर रहे हैं और 25 दिन से ज्यादा उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया येदियुरप्पा का भी, तो आपको व्यक्तिगत रूप से क्या लगता है जो हालात हैं जिस तरीके से निपटना चाहिए, अगर 2-4 मंत्री और कंधा देने के लिए शिवराज जी के साथ आ जाए मैदान में तो वो क्या बेहतर नहीं होगा? एक दृष्टि से बेहतर भी होगा, स्वाभाविक रूप से जब सहयोगी बढ़ते हैं तो जिम्मेवारी कम हो जाती है, जो कार्यभार होता है वो भी कम हो जाता है, तो ये भी एक तथ्य है उसके ऊपर। दूसरी बात एक और है, दूसरा पक्ष, कि यदि ऐसे समय मंत्रिमंडल बनाएंगे तो लोग आलोचना करेंगे कि बताओ इनको अभी तक चयन नहीं थी और ये तुरंत मंत्रिमंडल बनाने लगे, कोरोना फैला है, ये सारी बातें, तो दोनों पक्ष हो जाते हैं। लेकिन मैं जहां तक सोच सकता हूं कि शीघ्र इसको नेतृत्व कर लेगा। एक और सवाल यहाँ पैदा हो रहा है, क्योंकि जो सरकार बीजेपी की बनी है उसका आधार जो है सिंधिया समर्थक 22 जो विधायक हैं, आपको कितनी उम्मीद लगती है कि कितना पार्टी उनको संतुष्ट कर पाएगी और कितना मंत्रिमंडल में स्थान दे पाएगी, क्योंकि इस पर भी सभी की निगाह रखी है और आप वरिष्ठ नेता हैं। देखिए, मैंने शुरू में ये कहा कि ये सारा का सारा जो है वो राष्ट्रीय नेतृत्व और हमारे राज्य के जो कुछ चुनिंदा नेता है उसको तय करते हैं। जब ये सब परिवर्तन हुआ था और ये घटनाक्रम शुरू हुआ था उस समय मुझे जहाँ तक लगता है कि सारे लोगों के बीच में बात हुई होगी और पूरी समझाइश के साथ में और पूरे सोच विचार के साथ में इस काम को भी कर लिया जाएगा, इसमें कोई बड़ी समस्या नहीं आएगी। गोपाल भार्गव ने भविष्यवाणी की थी कि जब तक बंगलों में रंग रोगन होगा तब तक सरकार गिर जाएगी, तो ऐसा कुछ पहले से आभास था क्या गोपाल भार्गव को? देखिए, अल्पमत की सरकार थी, कुछ बीएसपी के सदस्य थे, कुछ सपा के थे, कुछ निर्दलीय थे। मैं मान के चलता था कि शुरू से कि अच्छा, फिर मंत्री परिषद का भी इनका बड़ा गठन जो हुआ था वो बड़ा विचित्र प्रकार का था। जो 5-6 बार वाले विधायक थे, वरिष्ठ विधायक थे, पूर्व में मंत्री रहे हैं, कैबिनेट मंत्री रहे, उनको बाजू कर दिया गया। नए लोगों के लिए जो दूसरी बार चुने गए थे, कुल 5 साल पहले अपोजिशन में रहे, इसके बाद जैसे सरकार बनी तो उनको कैबिनेट मंत्री बना दिया गया। तो मुझे लग रहा था कि ये असमाविक जो एक प्रकार का मंत्रिमंडल है तो ये दीर्घजीवी नहीं हो सकता, दीर्घकालिक भी नहीं हो सकता। तो जब मंत्री लोग ये बंगले अंगले पुतवा रहे थे, मेंटेनेंस का काम, नए निर्माण के काम, उसमें करोड़ों रुपए का व्यय हो रहा था,
तो मैं सोच रहा था कि मंत्री को कितना, यदि पूरा कार्यकाल भी कर लिया तो 5 ही साल रहने मिलेगा, 5 साल के बाद फिर समस्या आएगी, टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा, जीतेंगे नहीं जीतेंगे, सरकार बनेगी कि नहीं बनेगी, मंत्री बनेगी कि नहीं बनेगी, सारी बातें जो है इस बाधा दौड़ को पार करने के बाद फिर अगला कार्यकाल मिलता है। लेकिन यहाँ काम ऐसा करवाया जा रहा था जैसे कि जन्म जन्म के लिए बंगला इनके लिए आवंटित हो गया हो। तो मैं जहां तक सोचता हूँ कि हमें राजनीति में रहते हुए सादे जीवन को जीना चाहिए, बंगले पहले से भी ठीक ठाक थे, ऐसे नहीं थे कि कोई कुटीर हो या कोई झोपड़ियां हो, बंगले तो बंगले ही होते। मैं मान के चलता कि इसमें इस प्रकार से नई सरकार आने के बाद जो तोड़ फोड़ और उसमें फिर जोड़ घटाना सारा, और कई लोग बताते हैं, मैं तो किसी के यहाँ गया नहीं कभी, करोड़ों रुपए एक एक बंगले पे व्यय किया गया। ये जनधन की हानि, एक तरफ सरकार कहती थी कमलनाथ जी की पैसा नहीं है, वित्तीय संकट है, इसलिए सरकार कर्ज छोड़ गई, घाटे की व्यवस्था है, इसके बाद आप करोड़ों रुपया बंगलों पर खर्च कर रहे हैं। तो मैं मान के चलता था कि ये अजीब प्रकार का जो वातावरण चल रहा था और मजाक चल रहा था उसी की परिणति थी। और मुझे जो एक प्रकार से पूर्वाभास हो रहा था कि सरकार दीर्घकालिक नहीं है, मंत्री लोग आखिर क्यों बंगलों पर इतनी राशि खर्च कर रहे हैं, क्या इनके लिए पूरी तरह से स्वामित्व मिल गया है जीवन भर के लिए इस प्रकार से, और वही स्थिति बनी। अरे सब इंदौर में तो कोरोना कहर ही ढा रहा है, प्रदेश के करीब 2 दर्जन से अधिक जिले इसकी चपेट में आ गए हैं। आपको क्या लगता है, जो सरकार है वो सही ढंग से निपट रही है, या कमलनाथ सरकार होती तो और ज्यादा अच्छे तरीके से निपटती? देखिए, कमलनाथ जी की सरकार ने तो कबाड़ा ही कर दिया था। 23 तारीख तक जब मुख्यमंत्री शिवराज जी ने शपथ ली मुख्यमंत्री पद की, उसके पूर्व तक मुझे जानकारी नहीं, स्मरण नहीं, कोई मुझे कहीं प्रमाण नहीं इस बात का कि 1% भी काम कोरोना की रोकथाम के लिए पिछली सरकार ने किया हो, कांग्रेस सरकार ने। और वही कारण रहा, यदि पहले से तैयारी हो जाती तो ना अस्पताल कम पड़ते, ना डॉक्टर, ना इसके मास्क कम पड़ते, ना सैनिटाइजेशन व्यवस्था कम पड़ती। मतलब कमलनाथ सरकार जिम्मेदार है इसकी भयावहता के लिए पूरी तरह से, क्योंकि जब स्थिति बिगड़ने लगी पूरी तरह से तो बिगड़ती है 1 हफ्ते में, लेकिन उसकी रिकवरी में 1 महीना लग जाता है। ये स्थिति इस रोग के साथ में हो रही है। सब कोरोना तो ठीक ही ठीक है, अब आने वाले समय में भीषण गर्मी के साथ भयावह जल संकट होने वाला है, तो आपको क्या लगता है सरकार को क्या करना चाहिए? और आप तो पंचायत मंत्री रहे, ये मुख्यमंत्री जी ने भी शायद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की है, तो उन्होंने कहा है कि पेयजल की व्यवस्था मुकम्मल रहे इसके लिए भी, और ये जनपद जिला पंचायतों का जो कार्यकाल अभी बढ़ाया गया आज, तो इनके लिए जिम्मेदारी दी गई है कि आप तो सरपंचों से समन्वय बैठा के पीएचई से आप इस काम के लिए कर सकते हैं। तो ये थे बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री गोपाल भार्गव, जिन्होंने कई विषयों पर, कई मुद्दों पर स्वराज एक्सप्रेस के साथ अपने विचार साझा किए। कैमरामैन आनंद सुजाने के साथ निर्मल सिंह बयास, स्वराज एक्सप्रेस, भोपाल।